ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आज पूरे दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसको लेकर हर देश की सरकार कुछ ना कुछ अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए तमाम मुहिम चला रही है। तो वहीं आज भारत देश के अंदर भारत की सरकार भी अपने गरीब जनता के लिए उनके खाने से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रही है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों के गरीब और असहाय जनता को फ्री में खाने का राशन उपलब्ध करा रही है। आज सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना के अंतर्गत जांच करने के लिए आए निजामाबाद तहसील के एसडीएम साहब अरविंद कुमार जी ने मौके पर जांच भी की। तो वहीं एसडीएम साहब का कहना है, हमारे क्षेत्र में जो भी गरीब परिवार के हैं भूखे ना रहें, जबकि कुछ गरीबों को दो दिन पहले पैकेट राशन और खाद्य मिल चुका है। और एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिए हैं कि अगले हफ्ते फिर गरीबों को इसी तरह राशन मिलेगा। मौके पर सरायमीर के लेखपाल साहब पंकज राय मौके पर मौजूद रहे और लेखपाल साहब का कहना है, हम दो दिन पर आकर जांच करेंगे, जिसके पास अनाज नहीं रहेगा उसे हम देंगे, जिससे हमारे सरायमीर क्षेत्र में कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ सरायमीर से नीरज कुमार प्रजापति। नाम अरविंद कुमार सिंह। ठीक है सर, ये गरीब सब हैं, इन लोगों को गल्ला परसों मिला है अभी यहाँ पर, वही उसी का सत्यापन कर जी सर पूछ लीजिए। हाँ मिला हम लोगों को गल्ला, मिला है ना, खाने पीने की कोई कमी नहीं, नहीं, नहीं है। आपको मिला है? हाँ मिला। क्या मिला है? राशन। कितना? 15-20 किलो। 15-20 किलो। आपका नाम? आपका नाम? रेखा। आपको गल्ला मिला है? हाँ मिला है। किसके माध्यम? किसके माध्यम मिला है? मनोज। आपको किसको माध्यम मिला है गल्ला? दो बार मिला। दो बार मिला है। कौन दिलवाए हैं आपको? नेपाल दिलाया है। नेपाल साहब? अच्छा, और चेयरमैन साहब थे? ये हमारे साहब है तहसील के, एसडीएम साहब हैं, इन्हीं के माध्यम आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे नेपाल साहब हैं, पंकज राय जी हैं।